प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, प्रोफेसर साहब का इस विषय पर काफ़ी वो कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं और काफ़ी बेहतर जानकारी, इसलिए बहस की शुरुआत वह कर रहे हैं। प्रोफेसर का पहले कांग्रेस के लोगों नाम आने की प्रतीक्षा है, कांग्रेस से जो भी नाम आएगा हम लोग देंगे। सर मुझे कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि लोकसभा का डिसॉल्यूशन अभी हुआ है, लोकसभा का डिसॉल्यूशन हुआ है अभी, और ये नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2017 दिसंबर 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद वो हेल्थ कमेटी के पास भेजा गया था, और उस वक्त हेल्थ कमेटी पर इतना दबाव था इसे बहुत जल्दी रिपोर्ट दी जाए, रिपोर्ट दी भी। उसके बाद 247वां सेशन निकल गया, 248वां सेशन निकल गया, लोकसभा तब थी, लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन बिल नहीं लाया गया, बहुत पहले पारित हो सकता था। ये भी नहीं कह सकते कैबिनेट ने उसमें डिसीजन कोई निर्णय नहीं लिया था, कैबिनेट ने भी उसकी कुछ सिफारिशों को माना था, ज़्यादातर को नहीं माना था। ये कैबिनेट का प्रेरोगेटिव है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स को सबको अस्वीकार कर दे, सबको स्वीकार कर दे, कुछ को माने कुछ को न माने, ये उनका परमाधिकार, मैं इस पर क्वेश्चन नहीं करता हूँ। लेकिन मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किन परिस्थितियों में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नियुक्ति हुई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दी। जब इस कमेटी का मैं चेयरमैन बना तो हमारे जयराम रमेश जी, हम लोग देख रहे थे कि पिछले कौन कौन से सब्जेक्ट्स चयनित किए गए थे और किन पर हम एक कमेटी अपना रिपोर्ट दे चुकी, तो मैंने देखा कि ये बहुत पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग पर चर्चा उस विषय को चुना गया था, लेकिन उस पर रिपोर्ट नहीं बन सकी थी ना भेजी गई थी पार्लियामेंट। तो मैंने जब पूछा अधिकारियों को तो जयराम जी ने कहा कि प्रोफ साहब ये रिपोर्ट इस पर आप भी नहीं दे सकते। मैंने कहा क्यों नहीं दे सकता, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मेडिकल, इन्होंने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इतनी ताकतवर है, उसको बीजेपी के नेताओं का भी समर्थन है, कांग्रेस के नेताओं का भी समर्थन है, बीएसपी के नेताओं का भी समर्थन है, और इन्होंने कहा कि आपके नेता का सबसे ज़्यादा समर्थन है। और सही बात थी, बिल्कुल सही बात है, आई 100% एग्री विद इट। लेकिन मैंने कहा कि किसका समर्थन है किसका नहीं समर्थन है, देश के गरीब लोगों लड़कों के हित में कि वो भी डॉक्टर बन सकें, हम इस रिपोर्ट को बनवाएंगे और जल्दी लाएंगे। और 15 दिन के अंदर उस रिपोर्ट को, क्योंकि 106 लोगों से के विटनेस हो चुके थे सर, दो जगह हम एक यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी में कमेटी को ले गए, एक बहुत ही रेनाउंड मेडिकल कॉलेज है दिल्ली में ही सफदरजंग अस्पताल जिससे जुड़ा हुआ है वहाँ भी गए, और एक रिपोर्ट बनी, पार्लियामेंट सेशन में थी, हम जानते थे कि इसमें बहुत अड़चनें आएंगी, तो एडॉप्ट करने के अगले दिन उस रिपोर्ट को इस सदन में प्रस्तुत कर दिया गया। जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद हंगामा हो गया, और मुझे जाने क्या क्या झेलना पड़ा ये मैं ही जानता हूँ, लेकिन
वो अखबारों में बहुत चर्चित हुई रिपोर्ट, रिपोर्ट गई और पीएमओ के माध्यम से वो चली गई नीति आयोग के पास। नीति आयोग ने रिपोर्ट दी, अखबारों में आया कि नीति आयोग ने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग किया जाना चाहिए, लेकिन उस पर गवर्नमेंट ने कोई स्टेप उठाया नहीं। देन समबडी मूव्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी की उस रिपोर्ट को देखकर स्वयं ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को सुपरसीड कर दिया और एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नियुक्ति कर दी, लेकिन नियुक्ति की एक साल के साथ और एक साल के लिए, और गवर्नमेंट से कहा कि एक साल के अंदर बिल लेके आए, लेकिन गवर्नमेंट एक साल के अंदर बिल लेके नहीं आई। और सुप्रीम कोर्ट में एक साल खत्म होने के बाद गई कि ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है इसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड इट। उन्होंने कहा एक साल पर्याप्त समय था, आप एक साल में बिल नहीं ला सकते, मैं इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के कार्यकाल को नहीं बढ़ा सकता। नतीजा ये हुआ कि एमसीआई फिर से जीवित हो गई। जब जीवित हो गई तो फिर एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में गया, कोई उसने कहा कि वो एमसीआई जिसको भंग किया था आपने वो फिर जिंदा हो गई। एमसीआई ने नोटिस इशू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अटॉर्नी जनरल पर जो डांट पड़ी, उसके बाद एक अध्यादेश जारी किया गया और जो बोर्ड ऑफ गवर्न जो एमसीआई थी उसको भंग किया गया। तो उस अध्यादेश के बाद भी बिल आ चुका था, बिल संसद में जा चुका था, स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट दे चुकी थी, इसके बाद भी उसको सदन में न लाया जाए और पारित न कराया जाए। मैंने बार बार तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी से कहा कि हमें टाइम नहीं दिया 15 दिन का भी, और अब एक सत्र बीत गया, दो सत्र, लाए बिल लेकिन मालूम कब लाए रूपाला जी, आखिरी दिन सत्र के, दोनों सत्रों में आखिरी दिन वो बिल आया, एवरीबॉडी नोज इट। अब आप ये कहें कि साहब एज पार्लियामेंट वाज नॉट इन सेशन या लोकसभा डिजॉल्व हो गई से वो लैप्स हो गया बिल, तो जरूरी था कि जो ऑर्डिनेंस एक साल के लिए हुआ था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए उसके लिए नया ऑर्डिनेंस लाना पड़ा और दो साल के लिए लाना पड़ा, और उसको लीगलाइज करने के लिए अब ये बिल आया है। तो माननीय मंत्री जी आपसे तो मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकता हूँ, यू आर ए थॉरो जेंटलमैन और आपके ज़माने का ये है भी नहीं, लेकिन फिर भी इस तरह की गलती और इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि अध्यादेश के अलावा कोई रास्ता इस अध्यादेश को दो साल के लिए जो किया है, तो दो साल तो मैक्सिमम टाइम है। मैं माननीय मंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो बिल है ये तो हो जाएगा पास, सब समर्थन करेंगे और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर वो एमसीआई आ जाएगी पुरानी वाली जिसके सब खिलाफ है, इसलिए इसका समर्थन तो करता ही हूँ मैं। लेकिन माननीय मंत्री जी से ये अनुरोध करता हूँ जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उस बिल को लाएं, हालांकि उस बिल से हम लोग सहमत नहीं, वो बहुत खराब है, बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड है, सारी ताकत केंद्र सरकार ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की अपने हाथ में ले ली, जो डॉक्टर्स के हाथ में होनी चाहिए, एक चेक्स एंड बैलेंसेज की व्यवस्था होनी चाहिए, वो कुछ नहीं रहा। हम लोगों ने जो सिफारिशें की थी उनमें बैलेंस करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सिफारिशें भी नहीं मानी गईं। बहरहाल जो भी हो, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो आपका अधिकार है, लेकिन ये एडहॉक
स्थिति नहीं होनी चाहिए कि ऑर्डिनेंस को अब इतने दिनों के लिए बिल्कुल बिल ला के इसको कानून का रूप दे दें। वो आपको परमानेंट उसकी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, और इसके लिए जब आप जवाब दें तो ज़रूर आश्वस्त करें सदन को कि हम बिल को जल्दी लाएंगे और पारित करवाकर एक स्थायी व्यवस्था जो नेशनल मेडिकल कमीशन की है उसकी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रोफेसर राम गोपाल, यू हैव सेव्ड सम टाइम।